सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू के दौरान अनुमति श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण घूमता हुआ पाए जाने पर उक्त व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए। जब तक कि संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तथा होम क्वारंटीन किए गए कोरोना संक्रमित या संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा होम क्वारंटीन समय के दौरान बाहर घूमता हुआ पाया जाता है अर्थात होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को खांडल विप्र धर्मशाला किशनगढ़ में बनाए गए संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए दिनांक 3 मई से 17 मई 2021 तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह एवं इंसिडेंट कमांडर किशनगढ़ द्वारा खांडल विप्र धर्मशाला अवाप्त कर संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह एवं इंसिडेंट कमांडर किशनगढ़ ने बताया कि कोविड सैंपल संग्रहण का कार्य वर्तमान में रतनलाल कवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ में किया जा रहा है एवं वैक्सीनेशन का कार्य सूरज देवी पाटनी सभागार क्रिस्टल पार्क के सामने किशनगढ़ पर किया जा रहा है। उक्त दोनों स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह ने उपखंड क्षेत्र किशनगढ़ में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कोई भी बिना आवश्यक कार्य अपने घर से बाहर नहीं निकले, मास्क एवं सैनिटाइज का उपयोग करें, इस महामारी से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। आप देख रहे हैं आकाश की आवाज़, मैं ओम प्रकाश नाजवानी।